चलिए बस ओके हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था, जो हमारे हैबिचुअल वर्क है हमारे पास में, जो हमेशा होते हैं हैबिचुअल वर्क, जो हम प्रेजेंट रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें, कस्टम्स, यूनिवर्सल ग्रोथ आपके पास में है, या फिर जो नियर अबाउट फ्यूचर में प्लान्स एक्टिविटीज होती है आपके पास में, वो सारी हमने इसमें करी थी. ठीक है, अब हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, या फिर हम कहेंगे सिंपल पास्ट. किसके बारे में? पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट. देखो इसकी बात क्या है हमारे पास में, पहले समझ लीजिए इसकी बात क्या है हमारे पास में. सिंपल पास्ट में क्या है, जो काम खत्म हो चुका है. आ रही बात समझ में, किसकी बात होगी? मैंने आपको पहले सारे कंसेप्ट समझाए थे, तब मैंने आपको बताया था पास्ट में क्या होता है. पास्ट में जो काम आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है. वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाई, ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. किस काम की बात होती है इसमें? उस काम की जो कि हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है. काम क्या है आपका, मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ, खत्म हो चुका है. ठीक है, किसकी बात हो रही होती है? जो काम हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसके लिए यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस को. किसको यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस को. जैसे कि आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा. आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा. अब जब मैं बोल रही हूँ तो वो तुम्हें देखने वाला काम ऑलरेडी हो चुका है. तो आई सॉ यू फॉर्मेट क्या हो जाता है सिंपल आपका, इसका फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई सॉ यू, आई सब्जेक्ट, सॉ सी की थर्ड सेकेंड फॉर्म आपके पास में, सी सॉ सी, सॉ और ऑब्जेक्ट यू. आई सॉ यू, समझ में आ गई बात? वेरी गुड. जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस कौन सी फॉर्म आएगी वो की. मैंने आपको बताया था, एक बार नहीं बार बार बताया है, फर्स्ट फॉर्म. एक बार नहीं कई बार बताया है, डू डज और डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं. डू डज और डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं. हाईलाइट करके माइंड में बिठा लो कि do, does, did हमेशा किसके साथ आएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे आपके पास में. तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट सी यू. सो कौन बोल रहा है? पिटाई हो जानी है अभी. बोला ना क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो आई did not see you. क्या आएगा? I did not see you. समझ में आ गई बात? क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारे पास में? भैया क्वेश्चन में क्या आ जाना है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो did आगे आ जाएगा. did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन? did you नहीं, did I. सब्जेक्ट क्या है? I. did I see you. मैं पहले वाले की फर्स्ट वाले सेंटेंस के लिए पूछ रही हूँ. क्वेश्चन मार्क. Did I see you? Question mark. आगे बात समझ में? Did I see you? Question mark. याद रहेगा? पक्का? देखो अब एक चीज का ध्यान रखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास में एक्सेप्शन है.
अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे, इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम. इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट्स टाइम या फिर इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम. अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है किससे, इट्स टाइम से या फिर इट्स हाई टाइम से. किससे शुरू हो रहा है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास में, हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. बात तो प्रेजेंट की होगी पर हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. वी यूज वी टू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ठीक है, जैसे मैं आपको दो सेंटेंस लिख के बताती हूँ, आप मुझे बताएंगे कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है. इट्स टाइम यू शुड स्टडी. अच्छा, ऊपर चला गया. इट्स टाइम यू शुड स्टडी. पहला सेंटेंस है इट्स टाइम यू शुड स्टडी. नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास में इट्स टाइम यू स्टडी. पहला सेंटेंस है इट्स टाइम यू शुड स्टडी, अब वक्त हो गया है तुम्हें पढ़ना चाहिए. दूसरा सेंटेंस है इट्स टाइम यू स्टडी, टाइम हो गया भाई तुमने पढ़ा पढ़े हुए. तो कौन सा सही है? सेकंड सही है. क्यों सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? इट्स टाइम से या इट्स हाई टाइम से. तो उसके साथ हमारे पास अगर सब्जेक्ट बाद में है, हमारे पास सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट अगर बाद में है तो वी टू आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. कैसे यूज कर सकते हो आप इसको, याद कर सकते हो इट्स टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो सेकंड वाला सेंटेंस सही है, पहले वाला आपके पास में गलत है. समझ में आ रही है ना बात? ये कुछ चीजें हैं जिनको याद कर सकते हो, जो आपके कम्युनिकेशन में भी यूज आती है. ठीक है, पर यही अगर इट्स टाइम के बाद में आपके पास में टू आ जाता है, इट्स टाइम के बाद में आपके पास में क्या आ गया? टू आ गया. अगर सेंटेंस है आपके पास में इट्स टाइम प्लस टू आ जाता है आपके पास, सब्जेक्ट नहीं है आपके पास में, क्या आता है आपके पास में? टू आ जाता है आपके पास में, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे इट्स टाइम, वेरी गुड, इट्स टाइम टू स्टडी. क्या आ जाएगा? इट्स टाइम टू स्टडी. क्या करेंगे बात? अगर इट्स टाइम के बाद सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. अगर इट्स टाइम के बाद टू ऐड हुआ है हमारे पास में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपके पास में. ठीक है, अब मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, आप बताओ ये सेंटेंस सही है. यू डू कम हियर एवरी डे. बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्यों? यू डू कम हियर एवरी डे. एवरी डे प्रेजेंट डेफिनेट है, जरूरी नहीं है. मैं पास्ट करा है तो मैं पास्ट की बात करूंगी, जो पहले खड़ा दिया उसको भी मिक्स करूंगी ताकि तुम डिस्टिंग्विश कर सको. एवरीडे प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ही डू डस डिड में से क्या आता है? डू आता है, प्लूरल के साथ में डू. सही है हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है. आपके पास में क्या है? सही है हमारे पास. ऐसे देखो मिस्टेक.
की संख्या को अलग अलग निश्चय से गुणा करेगा। आने बात समझ में, तो ये हमारे पास सेंटेंस सही की गलत है, ये भी हमारे पास में सही है। बोलने में मत जाया करो, बोलो तुम करते हो, बोलने में कैसा लग रहा है? अरे बेटा बोलने में कैसा भी लगे, सिंटेक्स देखो, ग्रामर का रूल देखो। अगर वो बोलने वाला ही तरीका चाहिए तो फिर मैं क्यों फालतू में रूल बना रही हूँ? मैं रूल तो इसीलिए बना रहा हूँ, तो बोलने में ना देखो, सिस्टमेटिक देखो, सिस्टमेटिकली समझ में आ रही है बात? तो टू डज कौन सी फॉर्म आती है? कौन सी फॉर्म आती है? ओके, एक सेंटेंस और। I came yesterday. बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? वेरी गुड, ये सही है हमारे पास। I came yesterday, yesterday मतलब पास की बात हो रही है, बीते में कल की बात हो रही है, तो बीते में कल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बीते में कल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो कम की सेकेंड फॉर्म came। वेरी गुड, ये भी सेंटेंस एकदम सही है। अब मेनू जल्दी बताओ कौन इसका नेगेटिव करके बताएगा? हाथ उठाओ। आई सेड हाथ उठाओ, समझ में नहीं आती है बात? हाँ जी बोलो। आई डिड नॉट केम यस्टरडे। चाटे अपने का पेन लगा दे। I did not come yesterday. I did not come yesterday. Do does did के साथ कौन सी फॉर्म? जोर से do does did के साथ कौन सी फॉर्म? Verb form. I did not come yesterday. नू माला चपले भी. Do does did verb की first form. Do does did verb की first form. आ रही बात समझ में? ये तो याद करना पड़ेगा यार. ये आदमी करोगे तो कैसे चलेगा? वो मत करो कि बोलते हुए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। अगर वही करना है तो क्यों मेरे से रूल पढ़ रहे हो? मेनू भी थोड़ा आराम से बोलो हैं, रूल पढ़ रहे हो तो रूल के हिसाब से करें ना। समझ में आ रही है बात? अभी पास क्लियर है? चलो जी फ्यूचर कर ले, 10 रुपए देना जी। धन्यवाद। क्या कह रहे हैं? क्या बोला ये बगल वाले ने? सुना होगा मतलब क्या बोला ये? क्या बोला है भाई? बोलियो। बोल मैंने कुछ नहीं बोला। आप जल्दी सुनाई देगा ये बोल दिया। हां बोलते हैं, हमेशा सुनाई देता है। इसकी कुछ बात करती है तो हम भी सुनते हैं। वो मुझे पता है, मैं इग्नोर करती हूं। टीचर के पास इग्नोरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, वरना क्लास खराब हो जाएगी। समय बताइए तुम क्या बोला? इग्नोरेंस एंड पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। बता दे। मैंने बोला था फ्यूचर ऑफ एनीमे इंडस्ट्री। पूरे दिन गेम पे लगे रहते हो, पढ़ भी लिया जो भी एनिमेशन या कार्टून व्हाटएवर है तो कुछ उसी फील्ड से। छोड़ो 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 जी, आ जाओ इधर। सिंपल फ्यूचर भाई, सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य। फ्यूचर मतलब भाई भविष्य, जो काम भविष्य में होने वाला है। भविष्य जो काम भविष्य में होने वाला है, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। अभी किसी का आ गया, किसी का नहीं आया, जिसका आया है उसका चेहरा बड़ा कुछ कुछ एकदम है, चलो यार मैं फ्री हो गया, मैं पास हो गया, प्रमोट हो गया। जिसका नहीं आया है उसका लगता बड़ा है, अभी पता नहीं टेंशन में आ सकता नहीं आ सकता है। तो सिंपल फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में होने वाला है। समझ में आ रही है बात? जो भविष्य में होने वाला है। अब भविष्य में क्या है, जब हम बात करें फ्यूचर की तो मतलब जो आम तौर पे भविष्य में होता है। हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक कर सकती हूँ लिखने में। बारिश आ रही है। मतलब जो हमारे भविष्य में होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, हम उसकी बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? जो फ्यूचर में होने वाला है। जैसे आई शेल मीट यू, आई शेल मीट यू, भाई मैं मिलूंगी तुमसे। कब मिलूंगी, कैसे मिलूंगी, देखा जाएगा, बट मैं मिलूंगी तुमसे। आधी बात समझ में? हाँ हाँ, कल फिर मिलेंगे भाई।
कल मिलेंगे, तुम तो दोपहर को भी मिलोगे ये लोग कल मिलेंगे, तुम तो दोपहर को भी मिलोगे मेरे से। चलो इधर आ जाओ, इसका फॉर्मेट क्या हो गया देखो, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यू, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यू। आ रही है बात समझ में? क्या बेटा लिख लो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो बाय डिफॉल्ट आना ही है। अरे यार, अरे वो ऊपर वाले में से लिख दिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यू हो गया, यू जरूरी नहीं है, लो ठंड पाओ, ऊपर वाले में से लिख दिया था मैंने। तो बात पूछो दो कुछ, अगर शेल की जगह सेंटेंस में विल लगाता है, विल की जगह शेल, तो सही हो कि गलत हो? डिपेंड करता है आपने किस कंडीशन में लगाया है हमारे पास में, तो इसीलिए पहले शेल और विल का बता देती हूँ भाई। शेल और विल का हमारे पास में इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, टेंस के बाद में कराएंगे आपको हम यही चीज, हम मोडल्स करेंगे, क्योंकि जितने भी कैन कुड शेल विल है ना, ये आपको मोडल्स में ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझो, बात करते हैं, मैं दोनों का ही अलग अलग बता देती हूँ आपके पास में, विल का और शेल का। देखो विल का यूज किस में करते हैं, विल का यूज करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। विल का यूज किसके साथ करते हैं? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में। तो जरा पर्सन को समझो, पर्सन मतलब व्यक्ति। अब व्यक्ति तीन तरह के होते हैं हमारे पास में ग्रामर में, इंग्लिश में अगर हम देखें तो व्यक्ति हमारे पास तीन तरह के, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है भाई? फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, मैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या है? द वन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन क्या है? द वन स्पीकिंग, नहीं स्पीकिंग, द वन स्पीकिंग, भाई जो बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन कौन है? द वन स्पीकिंग, भाई हाल फिलहाल कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन। आ रही बात समझ में? सेकेंड पर्सन होता है टू होम स्पीकिंग, टू होम स्पीकिंग। अभी मैं किससे बोल रही हूँ? आप सबसे बोल रही हूँ। किससे बोल रही हूँ? आप सबसे। तो आप सब है सेकेंड पर्सन, आप सब है सेकेंड पर्सन जिससे बात की जा रही है। आ रही है बात समझ में? यू प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, तो तुम हो सेकेंड पर्सन। आ रही बात समझ में? थर्ड पर्सन अबाउट होम स्पीकिंग, वेरी गुड, जिसके बारे में बात हो रही है, अबाउट होम स्पीकिंग। He must be enjoying the rain. कौन? ऋषि जॉर्ज एब्सेंट है। He must be enjoying the rain. या he must be sleeping. वो सो रहा होगा। Exactly, वो भी नहीं है। तो ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? वो तीसरा जो यहाँ पे नहीं है, वो तीसरा जो यहाँ पे नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। वो क्या है? थर्ड पर्सन। तो आई मी माइन फर्स्ट पर्सन, आई मी माइन फर्स्ट पर्सन, यू योर सेल्फ सेकेंड पर्सन, योर्स सेकेंड पर्सन, ही शी इट दे थर्ड पर्सन। याद रहेगा बात पक्का? तो विल आता है आपके पास में सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ में विल नहीं आएगा, पर आई एक्सेप्शन है, आई के साथ सर्टेन केस में यूज कर सकते हैं। मोडल्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कहां कहां यूज होता है। ठीक है, अभी जनरल की बात कर रहे हैं कि विल कहां आता है? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल कहां आता है? ओके, तो दे के साथ क्या आएगा? दे के साथ क्या आएगा? विल। दे क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, वेरी गुड। दे क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड के साथ क्या आता है? विल। थर्ड के साथ क्या आता है? विल। समझ में आ गई बात? तो शेल का यूज कहाँ करते हैं? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ। शेल का यूज कहाँ होता है? फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल का यूज होता है हमारे पास में। ठीक है, चलो मुझे बताएं, मी के साथ क्या आएगा?
शॉल नहीं, शॉल नहीं है भाई, ठंडी लग रही है, शॉल नहीं है। शेल, आई के साथ, नी के साथ शेल, आ रही है बात समझ में? वी के साथ क्या आएगा? वी 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 के साथ क्या आएगा? विल आएगा या शेल आएगा? शेल शेल आएगा। वी विल, मैं जब बोल रही हूँ तो वी में मैं भी तो इंक्लूडेड हूँ, है कि नहीं? वी में मैं भी तो इंक्लूडेड हूँ, तो हुई ना फर्स्ट पर्सन। क्यों? हम सबके लिए बोल रहे हैं भाई, समझ में आ गई बात? पक्का वाली एकदम। चलिए बहुत अच्छी बात है। सेकंड करते हैं, हमारे पास में विल का यूज करा जाता है स्पेशल केस में, मैंने कहा था ना बताया जाएगा, अभी स्पेशल केस में फर्स्ट पर्सन के साथ में भी आ सकता है हमारे पास में। कब आता है हमारे पास में? जब आप डिटर्मिनेशन को बता रहे हैं। Used with first person, used with first person for strong determination, strong determination. भाई जब मैंने एकदम अपना strong determination मिल पा दिखा दिया, I will definitely take your class at 6 o'clock. मैंने कह दिया भाई 6 बजे तुम्हारी क्लास पक्का पक्का होएगी। बारिश होगी तो भी मैं लूंगी। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, क्या बताया? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो वहां पे आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आ गया? विल। आ रही बात समझ में? क्या आ गया? विल। आई विल टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स, मैंने अपना डिटर्मिनेशन बताया भाई, मैं तो लेना चाहूंगी, पक्का लूंगी। आई विल स्कोर गुड मार्क्स। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो हमारा है, जब आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को बताएंगे हम, तब हम इसका विल का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात? वही उल्टा हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कौन दिखा रहा है? सेकंड और थर्ड पर्सन, तब किसका यूज होगा? शेल का यूज होगा। किसका यूज होगा? शेल। शेल नहीं, शेल का यूज होगा। शेल क्या बेचना है कुछ? यूज्ड विद सेकंड थर्ड पर्सन for strong determination, you shall be punished. जब मेरा strong determination है भाई, मैं तुम लोगों को punish करूंगी। तुम class में बैठोगे तो punish करूंगी, तुम छुट्टी मारोगे तो punish करूंगी, क्या mask भी पहनोगे तो punish करूंगी। Okay, concept समझ जाओ। जब सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है हमारे पास में, तब आता है शेल। जब सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है तब आता है शेल। जरा बोला करो, चीजें याद हो जाएंगी। खाना नहीं खा के आए? नवरात्रि का पास में है कि तुम लोगों का? अभी नहीं, हमेशा बोला करो। वो एक दो की आवाज तो आ ही रही है, पर बाकी की नहीं आ रही है। ठीक है, फिर इसका यूज क्या आता है? विल का यूज क्या आता है? लेस पोलाइट। जब मुझे किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करनी है, यू विल लीव माई क्लास राइट नाउ, उससे मैं बोल रही हूँ तुम अभी के तभी मेरी क्लास को छोड़ के चले जाओगे। देयर इज नो पोलाइटनेस, आई विल नॉट बी टेकिंग योर क्लास। तब भी मैं गुस्से में बोल रही हूँ तुम्हारे साथ पोलाइट, पर जब मैं पोलाइटनेस से बोलू I shall be taking your class. Politeness आ रही है तब आएगा shall का यूज। Politeness है तब आएगा shall। More politeness। जब हम किसी के साथ बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं, तब हम यूज करेंगे shall का। जब हम किसी के साथ पोलाइट नहीं है, जैसे टीचर से परमिशन मांगनी है, will you please help me? ऐसे बात करेंगे या शेल यू प्लीज हेल्प मी? शेल। आप उनसे रिक्वेस्ट करें, यू नीड पोलाइटनेस। आ रही बात समझ में? विल से बोलोगे तो दे विल फील ऑफेंडेड, अरे यार मेरे को रिस्पेक्ट तो दी नहीं, मैं क्यों मदद करूं? आ रही बात समझ में? शेल आई कम इन, मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? ठीक है भाई, तूने बड़ी पोलाइटली बोला, आ जा गेट ओपन की। विल आई कम इन, अरे तू मुझे बता रहे है या पूछ रहे मुझसे? विल तो हक दिखा रहा है ना, विल तो अपना हक दिखा रहा है, तो जब तू मुझे अपना हक दिखा रहा है तो पोलाइटनेस का है। तू तो मेरे पे जोर दिखा रहा है भाई, फोर्स दिखा रहा है।
आ रही बात समझ में? तो पोलाइटनेस के लिए शेल का यूज करना है, परमिशन मांग रहे हो, पोलाइटनेस रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइटनेस, तो हम क्या करेंगे, हम शेल का यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? पक्का विल शेल क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए बढ़े आगे, नेगेटिव पे आ जाए, और भी इसके डिटेल में करेंगे बाद में, पर अभी तो सिर्फ इतना ही कर लेते हैं, बाद में करेंगे डिटेल में। आ जाओ भी, ये होगी पॉजिटिव का फॉर्मेट। अब आ जाते हैं नेगेटिव। क्या आएगा? यू विल ऑब्लिक शेल नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आई शेल मीट यू, क्या हो जाएगा? I shall not meet you. क्या हो जाएगा? I shall not meet you. Very good. क्वेश्चन करेंगे तो will shall आगे आ जाएगा। Will oblique shall plus subject plus V1 plus object. And question mark. Shall I meet you? क्या मैं तुमसे मिलूं? पोलाइटनेस, क्या मैं तुमसे मिलूं? परमिशन मांग रहे हैं भाई, तुम्हारे पास टाइम है तो हम तुमसे आके मिल लेते हैं, नहीं है तो ठीक है, नहीं मिलेंगे आप। आने बात समझ में? परमिशन मांग रहे, समझ में आई बात? अभी एक बार देखो, कोई डाउट है तो थोड़ा देखो। हाँ बेटा, डाउट है? शेल का यूज सेकंड थर्ड पर्सन के साथ जाएगा जब आप डिटर्मिनेशन दे रहे हो, अपना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दे दो। यू शेल बी कमिंग टू माय पार्टी, मतलब तुम पार्टी मेरी मिस नहीं कर सकते भाई, मैंने कह दिया आना है तो आना है, बट आपकी दोस्ती खत्म। डिटर्मिनेशन क्या? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, हिंदी में बोले दृढ़ निश्चय, जब अपने से डिसाइड कर लिया ये काम होना ही होना है। समझ में आ रही है बात? ऐसी हल्की हल्की बारिश हो रही है, आ रही है, जा रही है, दिख मेरे को लग रहा है कि मैं ऐसे कोई झाड़ू मार रहा है। मारने को फिर आपका क्या ले रहा है? बारिश में झाड़ू, तो बारिश के पानी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं यार। वैसे अगर सफाई करेंगे तो अपना पानी लगाना पड़ेगा। अभी इंद्र देवता बरस रहे हैं, कहते हैं भाई हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हम उसी को यूज कर लेते हैं। लॉजिकली सोचो ना। चलिए भाई क्वेश्चन आगे से स्टार्ट करेंगे आज। हाँ जी, द टीचर डैश शॉर्टली अराइव। हाँ भाई बताइए बेटा क्या आएगा? और इसका पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव भी साथ में और इंटरप्रेटिव भी साथ में बताना है। छेती बता बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या क्या कौन सा टेंस है पहले तो ये बताओ। जब बोला टीचर विल आई सॉरी द टीचर शॉर्टली है, शॉर्टली मतलब थोड़े समय में, तो ये थोड़े समय में क्या ऑलरेडी हो चुका है, क्या हो रहा है, होने वाला है, तो फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। अब फ्यूचर का फॉर्मेट अभी आपको बता दिया, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
शैल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कन्वर्ट तो करना ही नहीं है उसमें, आप तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर रही हैं। जब फ्यूचर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म कहां से आ गई? अब द टीचर है तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड पर्सन है हमारे पास में। फर्स्ट कैसे हो गया, फर्स्ट अपना होता है ना, द टीचर तीसरे बंदे के बारे में बात हो रही है तो टीचर के साथ मतलब थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है, विल आता है हमारे पास में, तो क्या आ जाएगा, द टीचर विल अराइव शॉर्टली, द टीचर विल अराइव शॉर्टली। नेगेटिव क्या हो जाएगा, द टीचर विल नॉट अराइव शॉर्टली। नेगेटिव क्या हो जाएगा, द टीचर विल नॉट अराइव शॉर्टली। और इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास में, इंटरोगेटिव में क्या होता है, विल शैल आगे आ जाता है तो क्या आ जाएगा, विल द टीचर अराइव शॉर्टली। जब इसको करेंगे कॉपी में तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सारे बना के लिखने हैं साथ के साथ, समझ में आई बात। नेक्स्ट इट डैश क्रिसमस नेक्स्ट वीक, पहले बताओ टेंस कौन सा है, नेक्स्ट वीक है भाई, नेक्स्ट वीक कौन सा है, फ्यूचर क्या कौन सा है आपके पास में, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आता है, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखेंगे विल आएगा या शैल आएगा, इट कौन सा पर्सन है, इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, मेरा बोलो फिर जोर से, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है हमारे पास में। थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है हमारे पास में, थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है, कौन बोला है, इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थोड़ी ना, वो तो जेन्युइन चीज है ना हमारे पास में। तो सेकंड और थर्ड के साथ क्या आता है हमारे पास में, विल आता है, तो इट विल बी, इज एम आर है ना हमारे पास में, तो इसका अगर फ्यूचर के साथ यूज होता है तो बी होता है, तो इट विल बी क्रिसमस नेक्स्ट वीक, इट विल बी क्रिसमस नेक्स्ट वीक। समझ में आ रही है पक्का? नेक्स्ट माय ब्रदर डैश फॉर मी, आपके पास में है वर्ब बी और विल। अच्छा ये नहीं देना चाहिए था कंटीन्यूअस का, चलो कल दे दिया। पहले तो बता दो यानी क्या होगा, फ्यूचर है, पास्ट है या प्रेजेंट है, फ्यूचर है भाई, वो फ्यूचर की बात हो रही है हमारे पास में। अब माय ब्रदर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर्सन, माय ब्रदर थर्ड पर्सन, किसी तीसरे की बात हो रही है ना हमारे पास में, थर्ड पर्सन क्या है आपके पास में, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ क्या होता है, विल। थर्ड पर्सन के साथ क्या होता है, विल। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, माय ब्रदर विल बी वेटिंग फॉर मी, क्योंकि वो चल रहा होगा, बात यहाँ कंटिन्यूस की है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको देख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा विल बी वेटिंग, नेक्स्ट आई डैश माई नेबर, नेबर नेबर मतलब पड़ोसी, यस्टरडे माय पड़ोसी। चलिए पहले तो बताएं कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, वेरी गुड, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अब क्या होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट बताइए, साथ साथ बताते जाएंगे तब चीजें याद होंगी, ऐसे याद नहीं होंगी आप लोगों को, बताइए पास्ट टेंस का फॉर्मेट, पास्ट है ना, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का क्या फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, फिर जाना है
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड फॉर्म हेल्प की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? हेल्प होती है. क्या होती है सेकेंड फॉर्म? हेल्प होती है हमारे पास में. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेल्प क्या हो जाएगा? हेल्प. I helped my neighbor yesterday. I helped my neighbor yesterday. Negative बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? I did not help my neighbor yesterday. क्या हो जाएगा? I did not help my neighbor yesterday. Very good. और interrogative क्या हो जाएगा? Did I help my neighbor yesterday? कितनी देर तक? हमेशा के लिए रहनी चाहिए, ये नहीं अभी के लिए आया फिर घूम जाओ. समझ में आ रही है बात? क्या बोला? अभी के लिए करो पिटाई. My mother dash a dress for me next week. Future. दे दी मैंने आपको बाय. क्या आएगा बताओ? कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस. कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस आपके पास में. तो अब क्या आएगा? माय मदर क्या है? कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है? विल. थर्ड पर्सन के साथ विल. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? माय मदर विल बाय अ ड्रेस फॉर मी नेक्स्ट वीक. माय मदर will buy a dress for me next week. Abhi samajh le, discuss kar le. Will kaha hai tumne? Theek hai. Next, agar iska negative banaye to negative kya hoga? My mother will not buy a dress for me. क्या हो जाएगा नेगेटिव? माय मदर विल नॉट बाय अ ड्रेस फॉर मी नेक्स्ट वीक. क्वेश्चन क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव? विल माय मदर बाय अ ड्रेस फॉर मी नेक्स्ट वीक. वेरी गुड. विल माय मदर बाय अ ड्रेस फॉर मी नेक्स्ट वीक. समझ में आई बात? कल की क्लास में करेंगे. तीनों के मिक्स क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को और मैं नहीं बताऊंगी कौन सा है. यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू करेक्ट इट योरसेल्फ. ठीक है? समझ में आ रही है बात? लास्ट ईयर आई डैश माई हॉलीडेज इन Ireland. Past tense. ठीक है, वेरी गुड. बात हो रही है पास्ट टेंस की क्योंकि लास्ट ईयर आ गया. लास्ट ईयर आ गया, किसकी बात हो रही है? पास्ट टेंस की. तो लास्ट ईयर आई क्या आएगा? स्पेंड. क्या रहेगा? स्पेंड का स्पेंड ही रहता है हमारे पास में, तो क्या आएगा? स्पेंड. ठीक है, नेक्स्ट. It dash gray is. क्या है ये? थोड़ा सा ट्रिकी है, बताओ. शांति से बताओ. देखो, इट डैश ग्रे कौन सा टेंस है?
आज की बात हो रही है, हमें टाइम का मेंशन नहीं है. देखो मैंने आपको कल भी समझाया था, जब टाइम मेंशन नहीं है मतलब पास्ट पे हो. अगर अभी बताया डेली, डेली है, यूजुअली है, एवरीडे है, मतलब सिंपल प्रेजेंट है, जब प्रेजेंट की बात हो. फ्यूचर में आने वाले समय का बताया जाएगा हमारे पास में, कल, परसों, अगले महीने, अगले साल, आने वाले समय का बताया जाएगा. यहाँ पे जब टाइम नहीं बताया तब भी हम उसको नॉर्मली क्या लेते हैं, पास्ट कहते हैं. अब इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, वॉज. क्या होगी, वॉज. तो ये क्या हो जाएगा, इट वॉज, इट वॉज ग्रेट. नेगेटिव, इट वॉज नॉट ग्रेट. एग्जैक्टली, इट वॉज नॉट ग्रेट. अब नेगेटिव में ये बात करना आप कि डिड लगा दोगे, वॉज खुद से हेल्पिंग वर्ब है, सीधा हो जाएगा इट वॉज नॉट ग्रेट. क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरी गुड. क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉज इट ग्रेट. समझ सकते हैं बात. चलो नेक्स्ट. इन द इवनिंग्स वी यूजुअली डैश टू अ पब. इन द इवनिंग वी यूजुअली डैश टू अ पब. कौन सा टेंस है, वेरी गुड. यूजुअली आ गया, अभी समझाया. यूजुअली आ गया, यूजुअली मतलब आज की बात हो रही है, हाल फिलहाल, मतलब हम हमेशा ये काम करते हैं. तो प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एसईएस. अब यहाँ पे बताओ मुझे क्या आएगा, यहाँ पे एसईएस आएगा या सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वी है, वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वो क्या आ जाएगा, इन द इवनिंग वी यूजुअली गो टू अ पब. वेरी गुड. इन द इवनिंग वी यूजुअली गो टू अ पब. समझ में आई बात. नेक्स्ट, इट डैश अलोन. नॉट है आपके पास और रेन है आपके पास. पहले तो बताएं कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है. कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस. ठीक है, वेरी गुड. पास्ट टेंस है आपके पास में. अब मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको दे दिया हमारे पास में नेगेटिव भी दे दिया और रेन भी दे दिया. आपके घर से फोन आ रहा है बेटा, जल्दी आना. बताया नहीं, लो मामा को फोन अटेंड करो बाहर जाके और बोल दो उनको कि 5 मिनट मोर. बेटा लैपटॉप फोन आ गया, आराम से जाओ. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव है तो क्या है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस में. नेगेटिव में क्या आता है, डिड नॉट. क्या आता है, डिड नॉट. और वर्ब की कौन सी फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म. ऐसा लग रहा है माथे पे लिखना पड़ेगा, छाप के और फिर जाके शीशे में चेहरा देखो, जितनी बार उतनी बार तुम्हें याद रहे. अरे ऐसा है, इट डिड नॉट. It did not rain a lot. जैसे हाल फिलहाल अभी बारिश ज्यादा नहीं हुई, खत्म हो गया भी नहीं हो रही, उसको थोड़ी सी अब बारिश नहीं हो रही है. It did not rain a lot. ठीक है. Next, but we dashed some beautiful flowers. कौन सा टेंस है? क्या टाइम बता रहे हैं? टाइम नहीं पता तो कौन सा है ये हमारे पास? पास्ट है. पास्ट है तो बताओ भाई इसमें क्या आएगा आपके पास में? सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉ. तो क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या आ जाएगा? ठीक है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? बट वी नॉट सॉ सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स. और इंटरोगेटिव, बोलो. हाँ, डिड वी सॉ सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स. चलो अब मैं आपको दे रही हूँ, उसको चेंज करना है आपने. ठीक है, आई डोंट नो. पहले
टेंस पहचाने के तभी तो चेंज करके पहले बताओ कौन सा टेंस है प्रेजेंट क्या यूज हो रहा है वहां पे किसका यूज हो रहा है ये लिखा है डू का यूज हो रहा है वहां पे तो डू किस में होता है रूल को देख लो मैंने कई बार बोल दिया वो वाला सिस्टम मत रखो बोलने में लज्जा करना वो बोलेंगे जिसने एक बार बोला ना बोलने में लज्जा करना उससे मैं दूंगी फिर अच्छा वाला में जाके मेरी तरफ देख के क्यों बोलते हैं तू भी वही काम करता है चीज में इसलिए तो कौन सा टेंस है प्रेजेंट कौन सा टेंस है प्रेजेंट डेफिनेट है कि नहीं डू का यूज है प्रेजेंट डेफिनेट इसका पॉजिटिव चेंज करके बताओ हां नहीं इसका पॉजिटिव क्या बनेगा इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा डू आई नो हिम कौन बोला डेड पिटाई होने वाली है जो बोल रहा पिटा Do I know him? क्या होगा Do I know him? Next. Will you make noise during lecture? कौन सा टेंस है फ्यूचर कौन सा टेंस है फ्यूचर पॉजिटिव बताओ क्या होगा यू विल मेक पूरा बोलो फटाफट बोलो क्या होगा इसका पॉजिटिव सेंटेंस यू विल मेक नॉइज़ ड्यूरिंग लेक्चर मेक नॉइज ड्यूरिंग लेक्चर You will make noise during lecture. और interrogative क्या आ जाएगा? You will not make noise during lecture. समझ में आई बात? पक्का वाली? इसी को revise करके आना है. तीनों tense को revise करें. Next class में questions करूंगी. Questions में गड़बड़ करी तो पिटाई हो जानी है. इसलिए ध्यान से rules करके आना. समझ में आ रही है बात? जब तक इनका rules इनका ढंग से नहीं करोगे, मैं next tense पे नहीं पहुंचूंगी. समझ में आई बात? फिर ये मत बोलना एग्जाम अभी खत्म है और फिर से पिटाई चालू हो गई इधर ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर सो एवरीथिंग इज फेयर इन स्टडीज ये क्या इसमें ऐड नहीं हो सकता मैं नहीं कर दिया भाई ऐड मेरी फिलॉसफी क्लास किसकी ऑब्वियसली तो मेरा रूल चलेगा चलिए चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए